हे गाइस, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सब लोगों को पता है कि देश में एक महापर्व चल रहा है, इलेक्शन का महापर्व। आज 29 अप्रैल को पूरे देश में चौथे चरण का इलेक्शन चल रहा है, लेकिन इस पूरे देश में जो सबसे हॉट सीट है, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, जिसके बारे में चारों तरफ चर्चा है, वो है बिहार के 5 सीटों में से एक सीट, जिसका नाम है बेगूसराय। बेगूसराय इसलिए जहां से कन्हैया कुमार उठे हुए हैं, और वो कन्हैया कुमार जिनको न जाने किस किस तरीके से हरास किया गया, उनके ऊपर लांछन लगाया गया, उनके ऊपर आरोप लगाया गया, लेकिन वो बंदा एक 30 साल का लड़का जो है लगातार अपने इरादों में पक्के मजबूती के साथ जो है लड़ता रहा, फासिस्ट ताकतों से लड़ता रहा, देश के अंदर में लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज उठाता रहा, सड़कों पर उतरता रहा, लात जूते खाता रहा, लोगों के कई गंदी बातें सुनी, गालियां सुनी, लाठियां खाई, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर में उसको ना जाने किस किस नाम से जाना जाने लगा, देशद्रोही बताया जाने लगा, लोकतंत्र के खिलाफ का इंसान को बताया जाने लगा, ना जाने कई प्रकार के उसके ऊपर लांछन लगाए जाने लगे। लेकिन आज जो पूरे देश का सबसे हॉट सीट है वो है बेगूसराय। बेगूसराय दूसरे भी मायने में एक बहुत ही हॉट सीट है, क्योंकि वहां जो लड़ाई है त्रिकोणीय लड़ाई होने वाली है, तीन दिग्गज वहां उठने वाले हैं। एक दिग्गज वो है जो उस सीट के जो जो गर्माहट है ना, वो तो बेगूसराय के कन्हैया कुमार से है, लेकिन जो तीखी बातें होती हैं, जो घटिया बातें होती हैं, जो हर बात पे पाकिस्तान भेजता है, हर बात पे वीजा देता है, वो भी बंदा वहीं से उठा हुआ है, बीजेपी से, गिरिराज सिंह। अब इसके अलावा आरजेडी से भी एक है तनवीर हसन साहब, जो उठे हुए हैं वहां पर। तो ये जो त्रिकोणीय लड़ाई है, बड़ा ही, हालांकि मुझे जहां तक नजर आता है कि बीजेपी इस लड़ाई में कहीं है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने, सबने देख लिया है कि गिरिराज सिंह ने जिस प्रकार से ड्रामा किया था, वो टिकट भी लेने को तैयार नहीं थे, टिकट कहीं और से उनको मिलना था, आ कहीं और गए, है ना। इसके बाद उन्होंने नकार दिया कि मुझे वहां से नहीं लड़ना है, क्योंकि सामने दो दो दिग्गज खड़े हैं, लेकिन बाद में फिर आते हैं सामने। तो लड़ाई अभी अगर आप देखा जाए तो यहां पर मुझे लगता है देश के युवाओं के लिए अगर सबसे बढ़िया सबक जो है कि पढ़ लिखे एक लड़का जो है देश को किस प्रकार से दिशा निर्देश दे सकता है, वो है कन्हैया कुमार, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। बेगूसराय के सीट से उठे हुए हैं, आज उनका इलेक्शन है, उनकी जो किस्मत है, आज ईवीएम मशीन, ईवीएम माता में बंद हो जाएगी, ईवीएम माता अब किधर जाके बैठ जाती है, किधर जाके उनका फैसला आता है, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि देश भर से लगातार जो है ईवीएम की शिकायतें आ रही हैं, देश के अलग अलग कोनों से, बिहार से, उड़ीसा से, राजस्थान से, मुंबई से, अलग अलग जगह से ये शिकायतें आ रही हैं कि वहां पर जो है ईवीएम मशीन काम नहीं कर रहा है, या फिर उसको बटन कोई और दबाया जा रहा, जा किधर और रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि देश के अंदर में अभी जो कन्हैया कुमार एक हॉट एक टॉपिक बने हुए हैं, उसी के साथ साथ ये ईवीएम भी एक है बहुत बड़ा हॉट टॉपिक। इसके बारे में अगर विपक्ष आज चुप है, कल भी चुप रहेगा, तो याद रखिएगा हमारा डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आज जो बिहार के 40 सीटों में से 5 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, जिसमें सबसे हॉट जो सीट है वो बेगूसराय का कन्हैया कुमार के लिए, और देखना यह है कि आज के बाद से कन्हैया कुमार किसके लिए प्रचार करने कहां जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बेगूसराय के लोग क्या वाकई में एक ऐसे युवा को चुनेंगे जो युवा लगातार देश के उन नेताओं के खिलाफ बोलता है, जो देश की संप्रभुता, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। कन्हैया कुमार ने हमेशा हिंदू मुसलमान आपसी एकता के बारे में बात कही है, और मुद्दे की बात हमेशा वो करता है। उनका कहना है कि अगर हमारे देश में नेता को चुना गया है जो हमारे टैक्स के पैसा लेते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से वो पूरे देश दुनिया घूमते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को रोजगार दे, नौजवानों को रोजगार दे, युवाओं को सही रास्ता दिखाएं, माता बहनों की जो इज्जत है वो बची रहे, सुरक्षित रहे, सोशल सिक्योरिटी हो, जवान हमारे शहीद ना हो, जवान शहीद अगर होते हैं किसी वजह से तो उसका क्रेडिट खाने की कोशिश ये ना करें, अगर क्रेडिट खाते भी हैं तो जो जवान शहीद हुए हैं उसका भी जिम्मेदारी बड़े सीना ठोक के लिए माफी मांगे देश की जनता से, पुलवामा के अटैक को जिस प्रकार से घटना घटी थी। ये सारी जो बातें हैं कन्हैया कुमार को एक अलग ही इंसान बनाती है। तो साफ देखने को मिलता है यहां पर कि देखते हैं ये बिहार के 40 सीटों में से एक सीट जो है सबसे हॉट टॉपिक है, हॉट सीट है पूरे देश भर में, किस तरफ जाके ये ईवीएम मशीन जो है बैठती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए रफीक अहमद के साथ में, आपको अपडेट देते रहेंगे। आज 29 तारीख है, चौथे चरण का इलेक्शन चल रहा है पूरे देश भर में, अलग अलग हिस्सों से अलग अलग कहानियां आ रही हैं, सबके बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन आज कन्हैया कुमार के नाम है। धन्यवाद।